नमस्कार, बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे इथेनॉल उद्योग के साथ साथ बिहार के कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो कि डेवलप होने वाले हैं, वह जो है रोज़गार की दृष्टि से जो है वह इलाका, वह क्षेत्र, वह शहर जो है विकसित होने वाला है। देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी अब उद्योग को विकसित किया जा रहा है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार में बेंगलुरु, नोएडा और गाजियाबाद के अनुसार उद्योग लगाने की शुरुआत जो है वह हो गई है। बता दें कि बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने इसको लेकर पहल शुरू कर दिया है। बता दें कि बिहार सरकार इन दिनों प्रदेश में इथेनॉल प्लांट लगाने पर जोर दे रही है। बता दें कि बिहार देश का पहला ग्रीन फील्ड गेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट काम करना शुरू कर दिया है। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में पिछले दिनों ही पेप्सी का प्लांट लगाया गया था। कहा जा रहा है कि यह प्लांट बिहार का पहला वाटर बॉटलिंग प्लांट है। इधर बिहार सरकार का दावा है कि पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की शुरुआत होने के बाद से सीमांचल क्षेत्र के जो इलाके हैं वो ज़्यादा उद्योग की दृष्टि से विकसित होंगे। इसमें जो है अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, इन इलाकों में जो है विकास की गति में तेज़ी देखने की बात कही गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इथेनॉल प्लांट लग जाने के बाद से नए उद्योग का और रोज़गार का जो है सृजन होगा, यानी कि नए नए रोज़गार जो है यहाँ के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य की इथेनॉल पॉलिसी 2021 के बाद से देश के पहले ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट की शुरुआत बिहार के पूर्णिया में हुई है। बता दें कि इसके बाद बिहार में 3 और इथेनॉल प्लांट बिहार में लगाने की बात कही जा रही है। पूर्णिया में बन रहे इस ग्रीन फील्ड को लेकर यह भी बताया गया है कि यह ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड यानी कि BIBPL द्वारा बनाया गया है। इस ग्रीन फील्ड से प्रतिदिन 96.76 करोड़ रुपये की लागत से प्रतिदिन जो है 65,000 लीटर इथेनॉल बनाने की बात कही जा रही है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए मक्का और ब्रोकन राइस का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जा रहा है कि इथेनॉल उद्योग की शुरुआत होने से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, साथ ही साथ छोटे शहरों में लोगों को रोजगार का अवसर भी मिलेगा। इतना ही नहीं, मक्का और धान के किसानों के लिए भी यह काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इथेनॉल मक्का और धान के बचे हुए हिस्से से ही बनाया जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इथेनॉल उद्योग के लग जाने के बाद से प्रदेश के कई जिलों से एक तो पलायन रुक जाएगा। ऐसे में खास करके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया में 2000 से भी ज़्यादा क्षेत्र पर खेती होती है। ऐसे में यह उद्योग एक तरफ जहां पलायन को रोकने में मददगार साबित होगा, ऐसे में प्रदेश में इथेनॉल उत्पादन पर भी जो है आत्मनिर्भर होगा, तो वहीं किसानों को भी इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार में पहले चरण में 17 इथेनॉल सेंटर खोले जाने की बात कही गई है, जिसमें से 14 इथेनॉल से ज़्यादा उत्पादन का कार्य जल्द ही शुरू कर देगा। इसके साथ साथ 3 और इथेनॉल इकाइयां जो है बनकर तैयार हैं। बता दें कि इसमें से 2 यूनिट जो है गोपालगंज जिले में है और 1 यूनिट आरा में बनाया गया है। इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रतिदिन करीब 150 टन चावल और मक्के की भूसी की जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि चावल और भूसी को खरीदने के लिए कंपनी सीधा किसानों से पहुँचेगी, जिससे कि किसानों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार देश का इथेनॉल हब बनने जा रहा है, यानी कि बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है उससे यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार जो है इथेनॉल का बड़ा उत्पादक होगा। कहा जा रहा है कि पूर्णिया में लग रहे इथेनॉल की सप्लाई इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को किया जाएगा। इतना ही नहीं, कंपनी के साथ पहले 10 साल का करार होगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वर्तमान में 36 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल आपूर्ति का कोटा मिला है। ऐसे में अब बिहार के कई जिले उद्योग के नज़रिए से विकसित होने वाले हैं। तो ये थी इथेनॉल से जुड़ी हुई जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।